नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी की एक बहुत ही फेमस थ्योरी, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, जिसमें गांधी जी जो है मानते थे कि देखो सब इक्वल हैं। वो सिर्फ ह्यूमंस में इक्वालिटी की बात नहीं करते थे, वो इवन एनिमल्स को लेके भी इक्वालिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखो यार, हर किसी की एक बेसिक नीड होती है और वो उसकी मिलनी ही चाहिए और उसकी सेटिस्फाई होनी ही चाहिए बेसिक नीड। अब बेसिक नीड में आप सब जानते हो, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस को क्या मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना। अगर जानवर की बात करें तो उसको ऑब्वियसली बात रोटी तो मिलनी ही चाहिए, उसको खाने के लिए प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उसको। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया ये कंसेप्ट दिया है इकोनॉमिक्स को कि देखो सब इक्वल हैं और दुनिया में जो भी चीज़ है, एवरी थिंग बिलोंग टू गॉड, है ना, एंड वॉज फ्रॉम गॉड। इस पृथ्वी पर जो चीज़ है सब कुछ गॉड का ही है ना। आप देखो, खाने को हो, चाहे हम सांस ले रहे हैं या हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ कहने के लिए ह्यूमन मेड है। आप कार भी यूज़ कर रहे हो तो वो जो स्टील उसमें लगा हो कहीं ना कहीं तो अर्थ से निकाला ही है ना ह्यूमन ने, तो भगवान का ही दिया हुआ है वो भी। तो हर चीज़ जो है भगवान की देन है और उस पर सबका हक है, उनका कहना था। और उनका कहना था कि देखो, जो रिच होते हैं उनको सिर्फ इस तरीके से करना चाहिए काम कि जो उनकी सेटिस्फेक्शन हो, वो सेटिस्फाई होने के बाद जो बाकी बचता है वो बाकी लोगों की हेल्प करने में लगाएं। तो वो एज अ सरप्लस का सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी है, ठीक है, ओनर नहीं है। तो ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था। और आप जानते हो ट्रस्टीशिप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो आप सुनते हो कि ट्रस्टी कौन है, इवन आप हर जगह ट्रस्टीशिप का एक तरीके से कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, गवर्नमेंट को ही देख लो आप, तो गवर्नमेंट भी आपके ट्रस्टी है एक तरीके से। आप जो इतना रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेस के फॉर्म में, तो वो किसी मिनिस्टर का थोड़ी ना है पैसा, वो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया का पैसा है। वो सिर्फ वहाँ पे उसको मैनेज कर रहे हैं। ट्रस्टी मीन्स आप देख एक तरीके से मान सकते हो मैनेज करने वाले, है ना, ओनर नहीं, मैनेज रहे हैं वो। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि देखो यार, जो रिच है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी है और वो ओनर नहीं है, जो सरप्लस है उस चीज का। उन्होंने अपने जो आइडिया है उसमें और भी बातें बोली कि देखो, ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न इक्वल और उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और सबकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, हर कोई इक्वल इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कैपेसिटी के साथ नहीं पैदा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, डिस्पैरिटी होगी, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, लेकिन हमें जिसके पास ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका उस पर अधिकार है, बल्कि वो जस्ट एक ट्रस्टी है उसका, ठीक है। मतलब मेन बात के चलने का उनका एक कंसेप्ट था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट थे, तो वो मानते थे कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस हो, है ना, तो उसमें वायलेंस का यूज़ नहीं किया जाए, फोर्स का यूज़ नहीं किया जाए। तो एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, आपको मैंने समझा दिया सिंपल वर्ड्स में, ऐसा कुछ खास था भी नहीं इसमें ज़्यादा। तो अगर कुछ डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से और जितना ज़्यादा एलाबोरेट हो सकता है बना दूंगा। इग्नो की जो एम ए पोलिटिकल साइंस की किताब है उसमें बस इतना ही दिया है, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, और इससे ज़्यादा है भी नहीं है एक्चुअली। लिटरली लिखने के लिए तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, बट एक्चुअली में यही है। जो गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया हो आप उसको और एलाबोरेट कर सकते हो, जैसे टैक्सेस वगैरह हम पे करते हैं, तो जो टैक्सेस जाते हैं मिनिस्ट्रीज में, वो मिनिस्ट्रीज क्या करती है उसको फिर से हमें वापस करती है किसी ना किसी अलग फॉर्म में, है ना, रोड्स बना के, हॉस्पिटल बना के, स्कूल्स बना के, किसी भी अलग फॉर्म में हमें वापस ही करती हैं वो। तो उनकी अपनी नहीं है, वो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं उस फंड को। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो भी सिर्फ उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है सिर्फ मैनेज करने के लिए, है ना, उसका वो ओनर नहीं बन जाता है। तो ये था थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप का एक कंसेप्ट, होप क्लियर हो गया हो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।